हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक कॉम्युनिकेशंस। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस एपिसोड में मैं लेकर आया हूँ एससी गुप्ता की हिंदी इंग्लिश एक्सपर्ट ट्रांसलेटर बुक का रिव्यू। दोस्तों, ये अरेन पब्लिकेशन की बुक है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस बुक का कंटेंट कैसा रहता है, स्पेशली तब जब आप किसी भी जनरल कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका जो बैकग्राउंड है वो हिंदी मीडियम से हो। क्योंकि जिन लोगों का बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम से रहता है वो तो इंग्लिश पर अपनी पकड़ बना लेते हैं और काफी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं जनरल कॉम्पिटिशन्स के लिए। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी भी कॉम्पिटिशन को हिंदी में अटेम्प्ट करते हैं और जनरल इंग्लिश से क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो किस बुक के थ्रू पढ़ सकते हैं? आपको पता चलेगा कि अरेन की ये वाली बुक कैसी रहती है। मार्केट में काफी सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप देखो तो, जिसमें आपको कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाता है। फिर भी दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये जो बुक है ये 2012 का एडिशन है और आज भी काफी सारे स्टूडेंट्स इस बुक को बाय करते हैं, इससे स्टडी करते हैं। अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो और इंग्लिश लैंग्वेज को बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हो, तब भी आप इस बुक को यूज कर सकते हो। इसमें आपको कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है। इसमें आपको हिंदी के थ्रू इंग्लिश सिखाई जाएगी। 36 टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं। मेनली आपको ग्रामेटिकल रूल्स मिलेंगे, जैसे कि टेंसेस, वर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस, जेरंड्स, फिनिटी एंड इन्फिनिटी वर्ब्स और मॉडल्स। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं। और आपको लास्ट में वर्ड पावर भी मिलेगी, जिसमें आपको सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, हार्मोनियम्स और तरह तरह के वर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इनसे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो सकती है और आप अपनी वोकैबुलरी को भी इंक्रीज कर सकते हो। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके कंटेंट को बारीकी से। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस बुक के टेबल ऑफ कंटेंट्स को, जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इस बुक में हमको कवर किए हुए मिलते हैं। तो याद आता है कंटेंट्स, सबसे पहला चैप्टर आपको मिलेगा इसमें ट्रांसलेशन एंड आर्ट, दूसरा है टेंस वाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर, थर्ड चैप्टर इसमें पास्ट टेंस, फोर्थ फ्यूचर टेंस, फिफ्थ आर्टिकल्स, सिक्स डिटरमाइनर्स एंड एडजेक्टिव्स, सेवंथ एडवर्ब, एट नाउन। तो शुरुआती चैप्टर्स जो है वो आपको ग्रामेटिकल रूल्स पर बेस्ड मिलेंगे एंड आपको इसमें टोटल 36 चैप्टर्स मिलते हैं। जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहते हैं, जो टॉपिक्स रहते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। 33 टेस्ट ऑफ स्किल नाउ, 34 कॉमन कन्वर्सेशंस इन वेरियस सिचुएशंस, 35 कॉमन वोकैबुलरी, 36 इंपॉर्टेंट वर्ड पावर। इनके बारे में हम इस वीडियो के लेटर पार्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले चैप्टर को देख लेते हैं, ट्रांसलेशन एंड आर्ट। इसमें आपको बताया जाएगा कि ट्रांसलेशन है क्या, ट्रांसलेशन कैसे की जाती है, इंग्लिश टू हिंदी, आप हिंदी टू इंग्लिश कैसे इफेक्टिव तरीके से ट्रांसलेशन कर सकते हो। इस चैप्टर में बेसिकली आपको सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उन सभी चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा, प्रीपोजिशन के बारे में आपको बताया जाएगा। तो बेसिकली ये चैप्टर जो है वो सेंटेंस से रिलेटेड है। इसमें आपको जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उनका फॉर्मेट भी मिलेगा और आपको एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे, साथ साथ आपको ट्रांसलेशन भी मिलेगा एक हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश में। बेसिकली ये जो बुक डेवलप की गई है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको इंग्लिश रटनी नहीं है, आपको समझनी है। क्योंकि आप इंग्लिश के अगर एक दो सेंटेंस रट भी लोगे तो इससे आपका कोई बेनिफिट नहीं है, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। सेकंड चैप्टर है टेंस वाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें आपको टेंस एंड टाइम का जो कंसेप्ट रहता है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर किया हुआ मिलेगा। बहुत से लोग टेंस और टाइम को एक ही चीज़ समझते हैं, आपको इस बुक में दोनों में जो डिफरेंस है वो बताया जाएगा। और प्रेजेंट टेंस के आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे जिनका आपको हिंदी में भी सेंटेंस मिलेगा, इंग्लिश में भी सेंटेंस मिलेगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा, एक सेंटेंस कैसे डेवलप किया जाता है, फिर अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप इस स्ट्रक्चर को यूज करके कैसे बना सकते हो। आपको इंपॉर्टेंट रूल्स भी मिलेंगे जिनको आपको ध्यान में रखना है एक सेंटेंस को बनाते समय। थर्ड चैप्टर में आपको पास्ट टेंस के बारे में बताया जाएगा, वहीं फोर्थ चैप्टर आपको फ्यूचर टेंस से रिलेटेड मिलेगा। इंपॉर्टेंट रूल्स आपको मिलेंगे और आपको इसमें सीक्वेंस ऑफ टेंसेस भी बताया जाएगा कि कैसे आपको सही समय पर सही टेंस का यूज करना है। आपको एक्सरसाइज भी मिलती है, करेक्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज, CYE। इसमें आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे जिनसे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और आप पता कर सकते हो कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ लिया और आपने क्या क्या सीख लिया। तो जो एक्सरसाइज है इसके आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। ये फिफ्थ चैप्टर है आर्टिकल्स। तो दोस्तों, इस बुक में आपको जितने भी ग्रामेटिकल टूल्स रहते हैं, चाहे वो आर्टिकल्स हों, डिटरमाइनर्स हों, प्रीपोजिशंस, जेरंड्स, फिनिटी एंड इन्फिनिटी वर्ब्स, वो सभी आपको इसमें कवर किए मिलेंगे और अच्छे से कवर किए मिलेंगे। तो ये बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम से रहता है और वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं इंग्लिश को
समझने में। ये 16 चैप्टर है कंजक्शंस, तो आप इस बुक के साथ जरूर से जाएं अगर आप किसी ऐसी बुक को ढूंढ रहे हो जिसमें आपको कंटेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिले और आपका ऑब्जेक्टिव है इंग्लिश लैंग्वेज को ठीक तरीके से लर्न करना और जितने भी ग्रामेटिकल रूल्स हैं उनको सही तरीके से सीखना। ये 20th चैप्टर है द इंटरजेक्शंस। तो दोस्तों ओवरऑल कंटेंट इस बुक का काफ़ी अच्छा है और आप देखो अगर इसका प्राइस तो 175 इस बुक की MRP है, आप इसे डिस्काउंटेड प्राइस पर भी बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक मिल जाएगी। काफ़ी इकोनॉमिकल बुक रहती है और इवन जो मार्केट में तरह तरह की बुक्स आती हैं इंग्लिश की जिसमें आपको कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है तो उन सब बुक्स में ये बुक काफ़ी इफेक्टिव साबित होती है। ये 34 चैप्टर है कॉमन कन्वर्सेशंस इन वेरियस सिचुएशंस, जो आपकी डेली लाइफ में कॉमन कन्वर्सेशंस रहती हैं वो आपको इसमें मिलेंगी। टोटल ऐसी 41 कन्वर्सेशंस इस चैप्टर में कवर की गई हैं। अब मैं आपको 35th चैप्टर दिखाता हूँ जो आई थिंक इस बुक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि है कॉमन वोकैबुलरी। इसमें आपको 51 टॉपिक्स मिलेंगे जिसमें आपको इंग्लिश न्यूमरल्स, रिलेशंस, ऑर्नामेंट्स, एंजुअल्स, एनिमल्स, बर्ड्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और आपके स्पाइसेस, बिल्डिंग्स एंड देयर पार्ट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, टर्मिनोलॉजी ऑफ वारफेयर जैसे काफ़ी सारे टॉपिक्स मिलेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर रहता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है इस बुक का वो है 36 चैप्टर। इसमें आपको वर्ड पावर मिलती है इन द फॉर्म ऑफ सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेसेस एंड आपके जो होमोनियम्स रहते हैं, पैरोनियम्स रहते हैं, प्रोवर्ब्स रहती हैं, वो सभी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। तो ये जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ड पावर के लिए। अगर आप ग्रामेटिकल टूल्स को जानते भी हो तो जो 35th और 36th चैप्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। वहाँ दोस्तों मैं आपको एक 33rd चैप्टर भी दिखा देता हूँ जिसमें आपको काफ़ी सारे पैराग्राफ्स मिलेंगे हिंदी में जिनका आपको ट्रांसलेशन करना है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव प्रूव हो सकता है आपकी प्रैक्टिस में। आप तय कर सकते हो कि आपने इस बुक से कितना सीख लिया, वो मैं 33rd चैप्टर खोल लेता हूँ। इसमें आपको टोटल 44 पैराग्राफ्स मिलेंगे हिंदी में, उनका आपको ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश में विद यूजिंग करेक्ट ग्रामेटिकल टूल्स एंड रूल्स। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस चैप्टर को ज़रूर से सॉल्व करें, इस चैप्टर से काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। अब बात ये रही कि क्या ये बुक जनरल कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो दोस्तों जनरल कंपटीशन में जो मेनली क्वेश्चंस बनते हैं वो कॉम्प्रिहेंशन और आपके जो ग्रामेटिकल रूल्स रहते हैं उन्हीं से ही बनते हैं। इसमें बेशक कॉम्प्रिहेंशन तो इतने अच्छे से कवर नहीं की गई, लेकिन फिर भी अगर आपको एक बार ग्रामेटिकल रूल्स अच्छे से पता चल जाएं, आप ग्रामेटिकल रूल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाओ तो आपको इंग्लिश भी अच्छे से आ जाएगी, साथ साथ आप काफ़ी फैमिलियर भी हो जाओगे जनरल कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन के साथ। तो मेरा मानना यही रहता है कि अगर आपका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम से है, आपको डिफिकल्टी होती है इंग्लिश लर्न करने में ऐसी बुक से जो थ्रू आउट इंग्लिश रहती हैं, जैसे आप देखो रीड एंड मार्टिन या फिर एससी गुप्ता की ही कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश ग्रामर, तो आप इस बुक को बाय कर सकते हो। काफ़ी अच्छी ये बुक रहेगी और काफ़ी हल्की भी बुक है ये, इसमें आपको ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलता लेकिन जो भी कंटेंट मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और सफिशियंट है इंग्लिश लर्न करने के लिए। वैसे सफिशियंट कहना तो गलत रहेगा क्योंकि कोई भी चीज़ सफिशियंट नहीं रहती, फिर भी हाँ इस बुक का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा यूजफुल आपके लिए प्रूव होगा, ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। और दोस्तों आप इसकी पॉपुलैरिटी का इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये बुक 2012 का एडिशन है और बहुत से स्टूडेंट आज भी इस बुक को बाय करते हैं। काफ़ी इकोनॉमिकल बुक रहती है, 175 इसकी MRP है, तो इस बुक के साथ आप ज़रूर से जाएं अगर आप किसी भी जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो और इंग्लिश लैंग्वेज को शुरुआत से लर्न करने की सोच रहे हो, काफ़ी अच्छी ये बुक रहेगी। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको इस बुक के कंटेंट के बारे में अच्छे से आइडिया लग गया होगा। अगर वाकई ऐसा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको आने वाले समय में भी मिलती रहे। चलिए मिलता हूँ एक नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।